हाई व्यूअर एंड वांस अगेन वेलकम टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू अपॉन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट आयल्स मटीरियल ओके इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ए बारग्राफ इंक्लूडिड वोकेबलरी एंड डिटेल स्ट्रक्चर बाई विच यू कैन अचीव सेवन बैंड चलिए देखते हैं स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको एक बारग्राफ बताने जा रही हूँ साथ ही कंप्लीट स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आप सेवन प्लस बैंड राइटिंग में अचीव कर सको स्टूडेंट राइटिंग का कुछ हमें डूज एंड डोंट फॉलो करने होते हैं कुछ चीज़ें हमें एज ए टिप्स फॉलो करनी पड़ती हैं राइटिंग में अच्छे बैंड्स अचीव करने के लिए ये वीडियो कंप्लीट आप देखिए इसमें मैं बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ जिससे आप कोई भी टास्क वन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे बैंड ले सकते हो इस बार ग्राफ में बताया गया है द बार चार्ट बिलो शोज द डिवोर्स रेट इन टू यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रॉम टू थाउजेंड इलेवन टू टू थाउजेंड फिफ्टीन नेक्स्ट देखिए समराइज़ द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है हर एक ग्राफ में ये लिखा होता है कि आपको इसका कंपैरिजन करना है मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि कंपैरिजन करेंगे तो वकेबलरी यूज़ uh, करेंगे कंपैरिजन की तो आपके बैंड्स अच्छे आएंगे इम्प्रेशन टास्क वन का अच्छा पड़ेगा आ, तो हमारे पास दो कंट्रीज़ गिवन है दैट इज़ फिनलैंड एंड स्वीडन स्टूडेंट टास्क वन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकेज सारा जो टास्क वन है वो स्टेटमेंट के बेसिस पे हम अटेम्प्ट करते हैं जो टास्क वन होता है वो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट केसेस में प्रीवियस ईयर्स में डिफ़ाइन किया जाता है जो पास्ट टेंस में हमें सारा टास्क वन को डिफाइन करना होता है बिकॉज़ ये जो ईयर्स हैं ये बीत चुके हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने पास्ट टेंस में टास्क वन डिस्क्राइब करना है प्लस पैसे वॉइस में इसको अटेम्प्ट करना है अब हम देखते हैं कि टास्क वन का स्ट्रक्चर क्या होता है जिससे आप अच्छे बैंड अचीव कर सको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है इंट्रोडक्शन मीन्स आपको स्टेटमेंट को रिफ्रेस करना है स्टूडेंट अब डिटेल में आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रही हूँ पहले आप इसका स्ट्रक्चर माइंड में रखिए फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे यानी कि स्टेटमेंट को रिफ्रेस करेंगे सेकेंड पैराग्राफ में हम ओवरऑल लिखेंगे ओवरऑल में क्या होता है जो हाइलाइटेड फीचर होते हैं जो मेन ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है ग्राफ में वो लिखेंगे जो ओवरऑल का पैराग्राफ है आप इंट्रोडक्शन के साथ भी उसको मर्ज कर सकते हैं मींस इट इज़ अप टू यू कि आप ओवरऑल का अलग से पैरा बनाना चाहते हैं या इंट्रोडक्शन के साथ लिखना चाहते हैं ठीक है लेकिन ओवरव्यू लिखना बहुत ज़रूरी है देन बॉडी वन में हम एक कंट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ लिमिटेड डाटा एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉडी टू में हम रिमेनिंग डाटा एक्सप्लेन करेंगे ठीक है ओवरव्यू स्टूडेंट में बहुत कन्फ्यूज़न है वो जो कंक्लूज़न लिखते हैं या ओवरऑल लिखते हैं उसी को सेम ओवरव्यू लिख देते हैं लेकिन आज मैं आपके ये डाउट क्लियर कर दूंगी कि ओवरव्यू क्या होता है एग्जैक्टली स्टूडेंट ओवरव्यू बेसिकली जो हाइलाइटेड फीचर होते हैं वो हम ओवरव्यू में लिखेंगे और कभी भी कंक्लूज़न नहीं लिखना टास्क वन में अब देखते हैं द बार ग्राफ शोज द डिवोर्स रेट इन टू यूरोपियन कंट्री अब पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ देखते हैं द बार चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ डिवोर्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन टू इलेवन एंड टू थाउजेंट फिफ्टीन स्टूडेंट इसमें मैंने जो इंट्रोडक्शन को रिफ्रेस कर दिया है डिवोर्स रेट की जगह परसेंटेज लिख दिया है फ्रॉम की जगह बिटवीन एंड एंड लिख दिया है ठीक है अब सेकंड बात करते हैं ओवरव्यू में ओवरव्यू में आपको मेजर ट्रेंड शो करने हैं जो हाइलाइटेड फीचर हैं जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है स्वीडन का रेट कैसा जा रहा है डेवोर्स रेट फिनलैंड का रेट कैसा है वो हम ओवरव्यू में लिखेंगे देखिए स्टूडेंट जो फिनलैंड है ग्री आ, ब्लू बार्स हैं उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवोर्स रेट जा रहा है लेकिन बीच में कहीं पे फ्लक्चुएशन हो रही है ओवरऑल इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ठीक है ऐसे ही जो स्वीडन का डिवोर्स रेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है मीन्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है इन बिटवीन कहीं पे फ्लक्चुएशन हो रही है ये है ओवर व्यू इस पूरे ग्राफ का तो ओवरव्यू हम आ, और कैसे लिखेंगे इस तरह से हम लिख सकते हैं ओवरऑल स्वीडन अ डाउनवर्ड ट्रेंड वाइल फिनलैंड एन ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड बोथ कंट्रीज डिवोर्स रेट हैड सम ऑल दो फिनलैंड इनिशियली हैड ए लोअर रेट इट आउटरेज स्वीडन ऐट द एंड ऑफ द पीरियड इसमें हमने बताया है कि स्वीडन का डिवोर्स रेट डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन है ऐसे ही फिनलैंड का जो रेट है वो अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है स्टूडेंट इसकी आप वोकेबलरी ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पर मैंने कंपेरिज़न किया है जैसे ओल्डो ओल्डो है ओल्डो का मतलब क्या होता है दूसरी तरफ ठीक है तो ओल दो ऑन द अदर साइड वेयर एज वाइल एज ऑन द कंट्रेरी ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं कुछ ऐसी वोकेबलरी है जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो तो हमने स्टेटमेंट में भी देखा था कि कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है सो दीज आर द टर्म बाय विच यू कैन डू कंपैरिजन इन टास्क वन चलिए अब बॉडी वन और बॉडी टू की बात करते हैं पैराग्राफ वन या बॉडी वन में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट वन कंट्री दैट इज स्वीडन बॉडी टू में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट अदर कंट्री दैट इज फिनलैंड लेकिन दोनों पैराग्राफ में हम बॉडी वन में और बॉडी टू में कंपैरिजन ज़रूर करेंगे ठीक है कंपैरिजन जितना ज़्यादा हम कंपैरिजन करेंगे वोकेबलरी यूज़ करेंगे उतने ही हमारे अच्छे बैंड अचीव होंगे चलिए देखते हैं बॉडी वन में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ली ओवरव्यू डिस्कस कर लिया नाउ कम टू द बॉडी वन जिसमें हम स्वीडन के बारे में बताएंगे स्वीडन डिवोर्स रेट वाज अबाउट फोटी फाइव परसेंट इन टू थाउजेंड इलेवन स्टूडेंट इसमें देखिए मैंने फोर्टी फाइव परसेंट के आगे अबाउट यूज़ किया है बिकॉज़ हमें क्लियरली नहीं पता चल रहा कि ये फोर्टी फाइव परसेंट है ये फोर्टी सिक्स भी हो सकता है फोर्टी फोर भी हो सकता है सो इट इज़ बेटर टू यूज़ अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट ठीक है बींग हायर देन फिनलैंड रेट बाई अप्रोक्सीमेटली एट परसेंट यहाँ पर मैंने कंपेरिजन कर लिया ओके देन इट रोज टू ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट इन दर टू थाउजेंड ट्वेल्व ठीक है अब ये रोज़ हो गया राइस की सेकेंड फॉर्म है रोज हाउ एवर हाउ एवर क्या टर्म है वोकेबलरी के द फिगर शोज ए ग्रेजुअल डिक्रीज अबाउट फोर्टी फाइव परसेंट एंड कंटीन्यू डिक्लाइन स्टडीली टू द एंड ऑफ द पीरियड रीचिंग अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट एंड हिटिंग द लोएस्ट पॉइंट ठीक है लोएस्ट पॉइंट ऑफ अबाउट थर्टी सेवन परसेंट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया है जहाँ जहाँ मैंने परसेंटेज डिस्क्राइब की है फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी सेवन परसेंट थर्टी सेवन परसेंट उसमें मैंने अबाउट अराउंड अप्रोक्सीमेटली यूज़ किया है क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है कि लगभग ठीक है इतने परसेंट है तो आप जब भी आपको एग्जैक्ट फिगर ना पता चले तो आप अबाउट अराउंड अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज़ कर देंगे तो आपके ज़्यादा बैंड आएंगे स्टूडेंट आम तौर तो राइटिंग में फाइव पॉइंट फाइव में स्टक रह जाते हैं इसी वजह से ठीक है स्टूडेंट अब हम पैराग्राफ टू या बॉडी टू डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इसमें भी हम दूसरी कंट्री का एक्सप्लेन करेंगे साथ ही में कंपैरिजन भी करेंगे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बॉडी टू परसेंटेज ऑफ डिवोर्स इन फिनलैंड वाज लेस देन फोर्टी परसेंट ठीक है लेस देन फोर्टी परसेंट है फोर्टी परसेंट से कम है इन टू इलेवन इट डिक्रीज इन टू थाउजेंड ट्वेल्व When about one-third of marriages in Finland ended with divorce. Okay? However, the figure experienced a steady growth during the next two years. Okay? Continuously growth hui hai next two years. It rose to approximately 39% in 2013. Then increased by around थ्री परसेंट इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड रिमेन स्टडी फॉर नेक्स्ट ईयर आउट रेसिंग द रेट ऑफ स्वीडन ठीक है स्टूडेंट इसमें हमने वोकेबलरी डिस्क्राइब की है फिगर डिस्क्राइब किए हैं कंपेरिजन किए हैं आपने भी इसी तरह से कंपेरिजन करना है बॉडी वन में भी कंपेरिजन करना है और बॉडी टू में भी कंपैरिजन करना है स्टूडेंट मैंने कंपैरिजन की वोकेबलरी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अगेन uh, उसका लिंक मैं इस चैनल पे दे दूँगी तो आप ज़रूर देखिए ये स्टूडेंट ओवरऑल uh, जो हमने ग्राफ डिस्कस किया है uh, उसका एक ओवरऑल व्यूज़ आप देख ले देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ओवरव्यू बॉडी वन बॉडी टू स्टिल आप एक आधी लाइन में अगर ओवरऑल uh, डिस्क्राइब करना चाहते हैं इसका एक लास्ट पैसेज आप एडिशनली बना सकते हैं उसमें लिख सकते हैं टू रिकैपचुलेट फिनलैंड एंड स्वीडन फॉलोड अपोजिट ट्रेंड इन द डवोर्स रेट फॉर दिस मच टाइम पीरियड